In the last video of determinant, we have studied about the properties of determinant. कैसे कैसे हम properties को हम use करते हैं वो आगे के videos आज से मैं शुरू करने जा रहा हूँ. तो the first numerical based on the properties of determinant is we have to show that the value of this determinant is equal to 16 times 3x plus 4. ये आपको prove करना है. कोशिश हमारी ये रहेगी कि determinant की properties का हम use जितना हो सके उतना करने की कोशिश करें. तो अब कैसे कैसे प्रॉपर्टी में लगा रहा हूं आपको ध्यान से देखना है. देखिए x प्लस फोर एक्स एक्स इन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस फोर. इसको ऐड करेंगे तो तब भी 3x प्लस फोर और ये भी 3x प्लस फोर. इसका मतलब पहला जो स्टेप हमको मिल रहा है, जैसे हमने मैट्रिसेस में प्रॉपर्टीज लगाई थी, हालांकि मैंने लास्ट वीडियो जो किया था उसमें ये प्रॉपर्टी आपको नहीं बताई थी, अंडरस्टूड है क्योंकि हमने मैट्रिक्स में भी पढ़ा था. तो आप किसी भी पर्टिकुलर रो में किसी भी अदर रो को ऐड कर सकते हो. ऐड करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता. इस प्रॉपर्टी को भी आप याद रखें. तो वी आर अप्लाइंग आर वन इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री. ये प्रॉपर्टी है अप्लाई कर रहे हैं. तो ये जाएगा 3x प्लस 4, यहाँ भी 3x प्लस 4 आएगा एंड 3x प्लस 4. x x x प्लस 4 x x x प्लस 4. इन द लास्ट वीडियो वन प्रॉपर्टी इज इफ वी मल्टीप्लाई एनी रो और एनी कॉलम बाय एनी स्केलर देन द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर. हमने देखा था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर आप किसी भी रो में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो वैल्यू जो निकल के आएगी, या फिर आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं उस स्केलर से मल्टीप्लाई करें, तो जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आ रहा. यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से मैं अप्लाई कर रहा हूँ. 3x प्लस 4 से क्योंकि R1 में तीनों में आ रहा है, इसको हम कॉमन ले सकते हैं. कॉमन लेने के लिए आपको क्या करना है, कॉमन या तो किसी भी रो से कॉमन आएगा कोई भी टर्म या किसी भी कॉलम से कॉमन आएगा. ये मत समझना कि हम कॉमन अगर ले रहे हैं तो सबसे कॉमन लेंगे, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. या तो हम किसी भी रो से कॉमन लोगे या किसी कॉलम से कॉमन लोगे. तो फर्स्ट रो में कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेते हुए क्या आएगा, 3x प्लस 4 अंदर क्या बचेगा, 1 1 1 रह जाएगा यहाँ पे x x x प्लस 4 x x x प्लस 4. अब आप देखिए अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा, इससे इसको माइनस कर दूं तो ये जीरो बन जाएगा. आप समझते जाएं जो जो प्रॉपर्टीज में जिस तरीके से लगा रहा हूं, ये भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हम अगर किसी भी रो में प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो डिटरमिनेंट में हम कॉलम की प्रॉपर्टी भी उसके साथ साथ लगा सकते हैं. तो मैं अगली प्रॉपर्टी क्या लगा रहा हूँ, सी टू इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन एंड सी थ्री इज इक्वल टू सी थ्री माइनस सी वन. सी टू से सी वन और सी थ्री से सी वन को माइनस कर, तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 4 सी वन ऐसे रहेगा 1xx, ये जीरो हो गया. इससे इसको माइनस करेंगे तो x x कैंसिल हो जाएगा, 4 ये जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, x माइनस x जीरो और ये हो जाएगा आपका 4. तो ये हमने अगली प्रॉपर्टी लगाई. अब हम क्या करते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट काफी इजी हो गया, इसको सॉल्व करना एक्सपेंड करना काफी इजी है, तो R1 के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं. एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1, तो 3x प्लस 4. अब आपको याद होगा कैसे एक्सपेंड करते थे, यहाँ प्लस लेते थे माइनस यहाँ माइनस, तो 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे, 4 0 0 4. जीरो के रिस्पेक्ट में वैल्यू कुछ भी आए इसमें तो जीरो ही बन जाना है, ये प्लस हो सॉरी इस जीरो के रिस्पेक्ट में बनने तो वैल्यू कुछ भी आए बाहर से जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो बन जाएगा. तो सिर्फ ये टर्म आता 4 4 से 16 और बाकी कोई टर्म नहीं आया, तो 16 इंटू 3x प्लस 4 और यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है. तो इस तरीके से आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है. ध्यान से क्वेश्चन को करें समझें और प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई हो उसको सबसे मेन है उसको समझना. देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज इवैल्यूएट, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं लेने जा रहा हूं. 1 1 1 ए बी सी एंड बी सी सी ए ए बी सी सी ए ए, क्या प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं इसमें, सोचिए कोई आपको ऐसा क्लू मिल रहा हो.
देखिए क्वेश्चन जो एग्जाम का आता है उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो प्रॉपर्टीज जहाँ पे आपको कोई भी वर्ड मिल गया डिटरमिनेंट की, वहां पे आपको सीधे सीधे एक्सपैंड नहीं करना है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी का ही यूज करना है। तो अगर मैं इससे इसको माइनस करूँ तो ये जीरो बन जाएगा, इससे इसको माइनस करूँ तो ये जीरो बन जाएगा। तो प्रॉपर्टी हमको क्या लगानी है यहाँ पे, आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन, आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन, वन ए बी सी, इससे इसको माइनस करेंगे जीरो, ये बी माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा, इससे इसको माइनस करेंगे सी कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी आ जाएगा, ये जीरो सी माइनस ए, इससे इसको माइनस करेंगे तो बी कॉमन ए माइनस सी। अगर मैं इसका माइनस बाहर करूँ तो ये माइनस ए प्लस, इसका बाहर ये माइनस ए प्लस। आर टू वाले रोल में देखिए आप, ए माइनस बी, ए माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, ये तो जीरो है, जीरो से यानी कि इस पूरे सेकंड रो से हम ए माइनस बी बाहर कॉमन ले सकते हैं। एक तो ए माइनस बी कॉमन आ रहा है और इसमें ए माइनस सी कॉमन आ रहा है। याद रखिए जीरो से हम कोई भी नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो वन ए ये बी सी, जीरो यहाँ माइनस वन, यहाँ सी, यहाँ जीरो, यहाँ माइनस वन, यहाँ बी। अब आसान हो गया इसको एक्सपैंड करना, एक्सपैंडिंग विद रिस्पेक्ट टू सी वन, इस सी वन के रिस्पेक्ट में उसको एक्सपैंड कर देते हैं, इन दोनों के रिस्पेक्ट में तो वैसे जीरो बन जाना है, वन के रिस्पेक्ट में सिर्फ आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू मिलेगी। तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए माइनस सी, वन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इसको और इसको छोड़ देंगे माइनस वन माइनस वन, सी और बी, तो ए माइनस बी, ए माइनस सी, ये क्या हो जाएगा माइनस बी और ए माइनस माइनस प्लस। तो ए माइनस बी, इसका माइनस कॉमन लेंगे तो सी माइनस ए हो जाएगा, और इसका माइनस कॉमन लेंगे तो ये बी माइनस सी हो जाएगा। देखिए डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए। तो ये ध्यान रखिए इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में अभी फिलहाल मैंने जो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है यहाँ पे, उस क्वेश्चन में आंसर हमारा ये तीनों के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट प्रूफ दैट द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू दिस। तो अगर आप डायरेक्टली सीधे सीधे एक्सपेंड करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो सब पूरा मल्टीप्लाइड के फॉर्म में आएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में आएगा, और उसको फिर फैक्टराइज करना इतना ज्यादा आसान नहीं हो पाएगा आपके। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई करनी है इनको समझना है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना आपको आना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रॉपर्टीज को बेस और सॉल्व करते हैं उसको। देखिए अगला जो न्यूमेरिकल लिखा हुआ है ये प्रूफ करना है आपको, तो कुछ कुछ पहले क्वेश्चन से मैच करता हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करेंगे हम, इससे इसको माइनस कर देते हैं और इससे इसको माइनस कर देते हैं, यानी कि आर टू इज इक्वल टू आर टू माइनस आर वन और आर थ्री इज इक्वल टू आर थ्री माइनस आर वन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे आप, आपको ये ऑटोमेटिकली खुद से क्लियर होता रहेगा कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी का हमें यूज करनी है। तो एक्स ए ए जो जाएगा ए माइनस एक्स, एक्स माइनस ए और ए माइनस ए जीरो, ए माइनस एक्स, ए माइनस ए जीरो और एक्स माइनस ए। तो आर टू से एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है और आर थ्री से भी एक्स माइनस ए कॉमन आ रहा है, तो दो बार कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर लेगा। एक्स ए ए यहाँ एक्स माइनस ए कॉमन लेंगे तो माइनस वन बचेगा, यहाँ वन बचेगा यहाँ जीरो हो गया, यहाँ वन सॉरी यहाँ भी माइनस वन होगा, यहाँ जीरो और ये वन होगा। तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो हमें मिल गया है यहाँ पे। अब हम क्या कर लेते हैं, इस सी टू में सी टू प्लस सी वन कर लेते हैं और सी थ्री में भी सी थ्री प्लस सी वन कर लेते हैं, ताकि ये भी जीरो बन जाए, ऐड होकर ये भी जीरो बन जाए। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वन माइनस वन, इसमें इसको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस ए आ जाएगा, वन ये जीरो हो जाएगा, ये माइनस वन हो जाएगा। हालांकि आप इसको अगर हम ये प्रॉपर्टी लगा रहे हैं तो आप देखिए जो नॉन जीरो वाला नंबर है वो जो जीरो वाला नंबर है वो नॉन जीरो बन जा रहा है। तो इससे इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये जैसे ये माइनस वन हो जाएगा, ये ए प्लस एक्स हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये भी जीरो हो जाएगा, सॉरी ये माइनस वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस वन।
एज सच इस प्रॉपर्टी का यूज करके हमको इतना ज्यादा कोई फायदा यहाँ पे नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ये वाला नंबर वन था अब ये तो जीरो बन गया, लेकिन जीरो वाला नंबर फिर माइनस वन में कन्वर्ट हो गया। तो जहाँ पे आपको ये लगे कि मुझे प्रॉपर्टी अब लगा करके कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप उसके बाद उसको डायरेक्टली एक्सपेंड कर सकते हैं, और डायरेक्टली एक्सपेंड करके देखते हैं इस प्रॉपर्टी को आप लगाना चाहें तो लगा लें, अदरवाइज हटाना भी चाहें तो आप हटा सकते हैं इस प्रॉपर्टी को। तो आर वन के रिस्पेक्ट में इसको हम एक्सपेंड करेंगे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा 1001, 1001, फिर माइनस ए आएगा, इसके आगे माइनस का साइन होता था बताया था मैंने आपको, -1, -1, 0, 1, और लास्ट इस ए के रिस्पेक्ट में -1, -1, 0, -1, 1, -1, 0, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ये हो जाएगा एक्स, वन हो जाएगा सिर्फ माइनस, ये माइनस वन हो गया तो प्लस ए हो जाएगा, प्लस ए ये जीरो हो गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर ये क्या आ जाएगा एक्स प्लस टू ए, और ये हमको राइट साइड में प्रूफ भी करना। तो आपकी बुक्स में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिसमें आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके वैल्यू निकालनी होगी, इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, और प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी प्रीवियस वीडियोस में कैसे अप्लाई करनी है वो भी आपको बता दिए, तो आप क्वेश्चंस इनके सॉल्व करें।